Hello everyone, welcome to Y'all in Maths Online classes. Today is 25th September 2021. Today is Saturday and this class is for 4th standard. We are doing our chapter number 2, Metric Measures. Okay, so today we are going to start our new exercise. It's exercise 2.1, jisme ki aapko conversion of units seekhna hai, theek? Okay, so we need to convert a higher unit into a lower unit, okay? सो यहाँ पे हम हायर यूनिट से लोअर यूनिट में करेंगे, जिसमें कि हमें मल्टीप्लाई करना है. फाइन, तो सपोज़ मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया आपके लिए, 3 किलोमीटर्स और 5 मीटर्स को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में. अब हम ये किस तरह करते हैं वो देखिए. आपको इतना पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. ओके, सो हम क्या करेंगे, 3 किलोमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 3 × 1000 मीटर्स करेंगे. ओके, तो हमने ये क्यों किया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो हम 3 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 × 1000 मीटर्स करेंगे, ठीक. तो 3 × 1000 इज इक्वल्स टू 3000 मीटर्स. ओके, अब ये तो है, हमने सिर्फ 3 किलोमीटर को कन्वर्ट किया. अब हमारे पास 5 मीटर भी है, तो हम 3000 मीटर्स प्लस 5 मीटर्स करेंगे. ओके, दैट इज इक्वल्स टू 3005 मीटर्स, ठीक. तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं. फाइन, इसी तरह अगर हमारे पास 5 किलोमीटर 10 मीटर अगर होता, इसे हमें कन्वर्ट करना होता मीटर्स में, तो हम क्या करते, 5 × 1000 प्लस 10 मीटर्स. ओके, सो 5 × 1000 इज 5000 मीटर्स प्लस 10 मीटर्स, दैट इज़ इक्वल्स टू 5010 मीटर्स. ओके, इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं. फाइन, तो ये था किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना मीटर्स में. अब जो है नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, या नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लेंगे, उसमें हमें किलोग्राम्स को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, ठीक. एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, 10 किलोग्राम्स एंड 360 ग्राम्स कन्वर्ट इनटू ग्राम्स, ठीक. अब आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 किलोग्राम्स को कन्वर्ट करने के लिए 10 × 1000 प्लस 360 ग्राम्स, दैट इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 360 ग्राम्स, 10,000 ग्राम्स प्लस 360 ग्राम्स, दैट इज इक्वल्स टू 10,360 ग्राम्स, यानी 10,360 ग्राम्स हमारा आंसर आ जाएगा. फाइन, इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें, सपोज हम लेंगे, ओके, तो इसी तरह अगर हम 9 किलोग्राम्स 115 ग्राम्स ले लेते हैं, इसे अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 9 × 1000 ग्राम्स प्लस 115 ग्राम्स, दैट इज़ इक्वल्स टू 9000 ग्राम्स प्लस 115 ग्राम्स, 9115 ग्राम्स हमें आंसर मिल जाएगा. फाइन, इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं. हमने किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट किया और किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट किया, ठीक. इसी तरह अगर हमें पॉइंट में, यानी डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो हम कैसे करेंगे. सपोज़ हमारे पास एग्जांपल है 6.025 किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स, इसे हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 kgs प्लस
इसे जो है हम अलग कर देंगे, या इसे अगर आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, डेसिमल्स को हमने कन्वर्ट किया था और उनकी वैल्यू निकाली थी, तो ये भी कुछ ऐसे ही करना है आपको। यहाँ पे मैं 6 किलोग्राम्स और 0.025 ग्राम्स कर रही हूँ, यानी मैंने इन दोनों को अलग कर दिया। ठीक, अब जो है हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, 6 किलोग्राम्स को हम कन्वर्ट करेंगे, तो 6 × 1000 ग्राम्स कर लेते हैं, प्लस हम इस चीज़ को पहले कन्वर्ट करेंगे, यानी ये जो है डेसिमल इसे हम फ्रैक्शन में लाएंगे। ठीक, तो 25 आएगा अपॉन, पॉइंट के बाद पॉइंट है 1 लिख लेंगे उसके जगह पे, 3 डिजिट्स हैं, 3 ज़ीरोस। ओके, तो इन दोनों की वैल्यू किलोग्राम्स में है। अब हम क्या करेंगे, इसे भी हमें कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, तो हम इसको भी 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 25/1000 × 1000। ठीक, तो ये थाउजेंड आपस में कट जाएंगे, 0000000 आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 6000 ग्राम्स। 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 6000 प्लस ये आपस में कट हो गया, पीछे बचा 25 ग्राम्स। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू 6025 ग्राम्स। ओके, 6025 ग्राम्स हमें आंसर मिल गया। ठीक, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें, सपोज़ हमारे पास है 7.034 किलोग्राम्स। ओके, ये जो है यहाँ पे नंबर, ये जो डेसिमल फॉर्म में है, इसका 7034, इन सब की वैल्यू किलोग्राम्स है। ठीक, अभी हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया, सबसे पहले हम जैसे कि ये जो है इनको स्प्लिट कर लेते हैं नंबर्स को, यानी हम 7 किलोग्राम्स प्लस पॉइंट लगा 034, और इससे पहले हमें ज़ीरो लगाना होता है, क्योंकि हम 0.034 नहीं लिख सकते, तो हमें 0.034 लिखना पड़ेगा। ठीक, ये भी अभी किलोग्राम में ही है। ठीक, अब ये जो है 7 × 1000 ग्राम्स आएगा, प्लस पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोस, यानी 3 डिजिट्स हैं, 034, तो हमने 3 ज़ीरोस लगा दिए, और जब ज़ीरो और पॉइंट और ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं बचती, तो 34 हमारा आएगा, यानी 34/1000 हमारे पास वैल्यू बचेगी। ठीक, अब अभी भी इसकी वैल्यू किलोग्राम में ही है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो 1000 जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 34 बचेगा। जब हम 7 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स 7000 ग्राम्स प्लस 34 ग्राम्स, दैट इज़ इक्वल्स टू 7034 ग्राम्स। ओके, इस तरीके से हम करेंगे। फाइन, तो ये था एग्जांपल। अब 2.1 में आपको कन्वर्ट इनटू ग्राम्स करना है, कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम्स करना है, कन्वर्ट इनटू लीटर्स करना है, कन्वर्ट इनटू मीटर्स करना है। ठीक, आप इसमें से ग्राम्स और लीटर्स करेंगे सेम इसी प्रोसीजर से, इवन आप मीटर्स और मिलीमीटर्स भी इसी प्रोसीजर से कर सकते हैं। ठीक, तो 2.1 में आपको ए बी सी डी पार्ट है, उसके बाद ई पार्ट में आपको फिलअप्स करना है, तो आपको बस वैल्यू बतानी है। फाइन, कि 1.1 लीटर में कितने मिली लीटर्स होते हैं, या 12 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, आप इन सब की वैल्यूज़ बताएंगे। फाइन, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और अच्छे से एग्जाम्पल्स लेके समझाऊंगी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।